खमा गणिसार राम राम। आप देख रिया हो झलको राजस्थान, मैं नंदिता आपरे साथ। एक पत्नी की सुरक्षा बिना पति ज्यादा कोई नहीं कर सके है, खास तौर तब जब महिला रे कंधा पर एक लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी हो और बारे कामकाज का सिलसिला में अक्सर घरों बाहर जानो पड़े है। खास बात आ है कि पति के साथ पत्नी खुद की कोई भी परेशानी ने आसानी शेयर कर पावे है, हर बात साझा कर पावे है। अगर 24 घंटा के लिए कोई पत्नी ने खुद के पति को साथ मिल जावे तो भी उन ज्यादा खुशी और कोई नहीं हो सके। ये खुशी की अनुभूति अभी भरतपुर सांसद संजना जाटव ने हो रही है, क्योंकि सांसद पत्नी की निजी सुरक्षा अधिकारी के रूप में सिपाही पति की नियुक्ति हुई है। जी हाँ, यानी अब संजना जाटव जठे भी जाए बारे साथ साथ बारा पति भी मौजूद रहे। आपने बता दू संजना जाटव का पति कप्तान सिंह भरतपुर में सिपाही का पद पर तैनात है। वे खुद ही एक महीना पहला संजना जाटव की सुरक्षा के लिए अनुमति मांगी है। अब पुलिस विभाग की तरफ फूक बाने मंजूरी मिल गई है, यानी अब सांसद पत्नी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बारे पति के कंधा पर है। मंजूरी मिलने के बाद सांसद संजना जाटव और पति खुशी जताई है। पुलिस विभाग द्वारा पति ने ही निजी सुरक्षा अधिकारी बनाए जाने की खबर पर संजना जाटव बोलिया कि बारा पति बाकी सब बड़ी ताकत है और अब काम के दौरान भी बारा साथ ही रही, यूं बारो हौसलो बढ़ी। वे आगे बोलिया कि सांसद बनने के बाद मादोना के बीच में कुछ भी बदलियो नहीं है, सिर्फ काम को बोझ ही बढ़ियो है, पर अब पति को साथ बाने सहारो दे। बटे पति कप्तान सिंह बोलिया कि पत्नी की सुरक्षा करने में बाने काफी अच्छो महसूस हुई, वे खुद की जिम्मेदारी अच्छे निभाई। अब एक नजर में सांसद संजना जाटव को राजनीतिक करियर देखा तो संजना जाटव ने सक्रिय राजनीति में लाने को फैसलो बारे ससुर को रियो है। दरअसल 18 साल की उम्र में संजना की शादी अलवर का कटुम्बर में रहने वाला कप्तान सिंह हुई ही। बड़ा ससुर कमल सिंह सरपंच रह चुका है, इस तरह परिवार को राजनीति में हस्तक्षेप पहला से ही हो। बड़ा ससुर के कहना पर संजना 2021 में अलवर का वार्ड नंबर 29 चुनाव लड़ने को फैसलो करियो। परिवार के पास रुपया नहीं हा तो पति और ससुर मिल रुपया जुटाया और बारह चुनाव लड़ाया, तो संजना भी परिवार ने निराश नहीं करी ही और जीत हासिल करी। फिर संजना जिला परिषद सदस्य बन गया और ससुर के साथ जयपुर कांग्रेस का नेता से मिलने पहुंचा हा। इस दौरान एक कांग्रेस नेता से भी मिलने गया हा तो बठे 100-150 लोग मौजूद हा और वे कांग्रेस नेता बने ओ बोलर बठे से निकाल दिया कि इन्हें विधायक बनने की बहुत जल्दी है। संजना का ससुर ने कांग्रेस नेता की बात टिप्पणी काफी अपमानजनक लगी, जिसके बाद ससुर तय करया कि संजना ने विधानसभा चुनाव लड़वावा और वे लड़वाने की तैयारी शुरू कर दी। फिर 2023 में कांग्रेस माने कठुम्बर विधानसभा सीट प्रत्याशी बनाया, हालांकि करीबी अंतरू संजना ने हार मिली ही, पर लोकसभा चुनाव के मायने कांग्रेस फिर बापर भरोसा जताया और ये बार संजना जीत हासिल कर राजस्थान की सब युवा सांसद बन गया और अब सांसद की सुरक्षा में पति ने लगा दिया, जीव बारी खुशी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। आप रो युवा सांसद संजना जाटव का अभी तक का राजनीतिक सफर और बारी सुरक्षा की जिम्मेदारी बारा पति ने मिलने पर कई कहो है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आप प्यार और विश्वास। यो ही हमारा गणिसार राम राम।